सिंगरौली के बैढ़न में एक ट्रक की टक्कर से 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि उड़ती गांव से होकर बालू से लदा एलपी ट्रक वाहन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जा रहा था, तभी ट्रक ने राहुल को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों को इकट्ठा होते देख ट्रक चालक और खलासी मौके पर ट्रक छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। सुबह की घटना है, राहुल जायसवाल नाम का एक 14 वर्ष का बच्चा, वो एक डंपर की चपेट में आ गया और ये उड़ती गांव की घटना है। और मैंने तुरंत बाद जो है पुलिस स्थल प्रकरण में 304 ए भाभी का केस रजिस्टर किया गया है और उसकी विवेचना की है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।